हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। 28 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों ने गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी, देव नारायण जी, इनके बारे में सभी क्वेश्चन जो भी चैप्टर में दिए हुए थे सभी कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 29। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है मारवाड़ में 1358 ईस्वी में मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। मल्लीनाथ जी ने अपना गुरु किसे बनाया था? मल्लीनाथ जी ने अपना गुरु जो है वह किसे बनाया था? तो इन्होंने उगमासी भाटी को अपना गुरु बनाया था। देखिए, जो भी क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर में से ही लिए गए हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे वो बुक से ही आएंगे, तो इसीलिए एक्स्ट्रा मैटर जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी बुक में होंगे वो सभी आपको यहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए 31 है, चमत्कारिता के लिए कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? चमत्कारिता के लिए कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो मल्लीनाथ जी चमत्कारिता के लिए जाने जाते हैं। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब लगता है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब लगता है? तो इनका पशु मेला जो है वह चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वह बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ूकासमेर में हुआ था। बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ूकासमेर में हुआ था। रामदेव जी के पिता और माता का क्या नाम था? रामदेव जी के पिता और माता का नाम था अजमाल जी और मीणा दे। रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह जो है वह अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। 37 क्वेश्चन है, रामदेव की समाधि स्थल कहाँ है? तो इनकी जो समाधि स्थल है वह कहाँ है? रामदेव जी की समाधि स्थल रुणेचा में, रामदेवरा में। ठीक है, रामदेव जी की समाधि स्थल रामदेवरा रुणेचा में है। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? तो रामदेव जी ने समाधि भादो की शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 ईस्वी में ली थी। रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो मेला जो है वो कब लगेगा? भादो में ही लगता है, भादो की शुक्ल द्वितीय को। इनकी समाधि, इन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को और मेला जो है वह भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को लगता है। श्री कृष्ण के अवतार के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पाबू जी को लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में माना जाता है, पाबू जी को लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में जाना जाता है, वहीं पर रामदेव जी को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जाना जाता है। मुसलमान रामदेव जी की पूजा किस रूप में करते हैं? मुसलमान रामदेव जी की पूजा किस रूप में करते हैं? राम सा पीर के रूप में मुसलमान रामदेव जी की पूजा करते हैं। मुसलमान राम सा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग गोगा जी की पूजा जो है वह गोगा पीर के रूप में करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। नेक्स्ट देखिए 42 क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, कामड़िया पंथ के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? कामड़िया पंथ की के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है।
मेहा जी मांगलिया किसके समकालीन माने जाते हैं? मेहा जी मांगलिया किसके समकालीन माने जाते हैं? तो ये राव चूंडा के समकालीन माने जाते हैं। इन मेहा जी की मृत्यु जो है वो कैसे हुई थी? मेहा जी की मृत्यु जो है वो कैसे हुई थी? देखिए, जैसलमेर के राव राड़क देव भाटी से युद्ध करते हुए मेहा जी की मृत्यु हुई थी। मेहा जी का मंदिर कहाँ है? मेहा जी का मंदिर जो है वह कहाँ है? इनका मंदिर जो है वह बापड़ी में है। किधर है? बापड़ी में। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, बापड़ी में किस लोक देवता का मेला लगता है? बापड़ी में किस लोक देवता का मेला लगता है? तो मेहा जी का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहा जी का मेला जो है वो बापड़ी में लगता है। याद रखना है कि मेहा जी का मेला जो है वह भादों की कृष्ण अष्टमी को लगता है बापड़ी में। और ये बापड़ी कहाँ पर है? ये बापड़ी जो है वो जोधपुर में है। अगला है, हडबू जी के गुरु का क्या नाम था? हडबू जी के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। ठीक है, हडबू जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। नेक्स्ट है 49, राव जोधा ने हडबू जी को कौन सा गांव दिया था? राव जोधा ने हडबू जी को बेंगटी गांव दिया था जो कि फलोदी में है। किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो वो हडबू जी ही थे, इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो हमने अभी किसके बारे में देखा? हडबू जी के बारे में। हडबू जी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हडबू जी के गुरु का नाम क्या था, जो कि इम्पोर्टेंट है याद रखना, बालीनाथ था इनके गुरु का नाम। राव जोधा ने बेंगटी गांव जो है जो कि फलोदी में है ये इनको दिया था। इसके हडबू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं कल्ला जी। तो यहाँ हमारे जो लोक देवता हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लोक संत का होगा और उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।